नरेंद्र मोदी का इंडिया जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। चाइनीज पंगे ले रहे हैं, अब चाइनीज को भी तो पता लगना चाहिए कि जिससे पंगे ले रहे हैं फिर वो कौन है आगे, अगली तरफ कौन खड़ा है। चाइना जो है इस पूरे खेल में फंस चुका है। आज के इस वीडियो ब्लॉग में पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव की जो चर्चा हो रही है उसका विश्लेषण करेंगे। चर्चा में शामिल भारतीय चर्चाकार कर्नल दानवीर सिंह ने स्पष्ट रूप से यह बता दिया है कि आज का इंडिया मोदी का इंडिया है। वह अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना जानता है और विश्व जनमत भी आज भारत के साथ खड़ा है। आज का भारत पहले वाला भारत नहीं है जो चीन से हुए 1962 की युद्ध की याद करके सहम जाए। अभी हाल में ही चीन के एक सैनिक को लद्दाख में भारतीय सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया था और चीन के मिन्नत करने पर उसे छोड़ा गया है। भारत और चीन के सीमा पर अभी तनाव की क्या स्थिति है इसकी चर्चा हम इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले सुनते हैं पाकिस्तानी चैनल पर आगे क्या कहा गया। चाइना का को फौजी पकड़ लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी तो सबर कर लें यार, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। नहीं, हम कहाँ पंगे ले रहे हैं उनके, चाइनीज पंगे ले रहे हैं। अब चाइनीज को भी तो पता लगना चाहिए कि जिससे पंगे ले रहे हैं फिर वो कौन है आगे, अगली तरफ कौन खड़ा है। तो बिल्कुल चाइनीज सोल्जर पकड़ लिया है। अगर चाइनीज सोल्जर हमारे इलाके में आएगा तो बिल्कुल पकड़ा जाएगा। और इसीलिए तो चाइना भी परेशान है। आप देखिए कितने दिनों से फौजें बैठी हुई है, उनको तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो पाएगा और ऐसा हो गया। बिल्कुल देखिए जी, बिल्कुल हुआ, लेकिन एट व्हाट अ कॉस्ट। वेल वॉट एवर इट इज, अब कंट्री तगड़े हैं तो जब बड़े बड़े जब बुल्स लड़ते हैं तो फिर इतना तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो हल्ला गुल्ला हो गई, तो दैट्स ओके। अब है, इतने बड़े बड़े मुल्क हैं, इंडिया एक रीजनल पावर है, चाइना सुपर पावर मान लीजिए, तो इतना तो खैर कार्रवाई होगी जितनी हो रही है, तो वो तो शुक्र बनाइए कि वो यहीं तक कार्रवाई रुकी हुई है। ये रुकेगी कि आगे जाएगी, क्योंकि मुझे लग तो नहीं रहा कि ये रुक जाएगी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ऐसे गुड पाकिस्तानी आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि और बट एज अ गुड इंडियन एंड अ रैशनल वे द वे वी थिंक, ये इसके आगे जाएगी नहीं, क्योंकि अभी चाइना जो है इस पूरे खेल में फंस चुका है। चाइना से आगे जाना ही नहीं चाहता था और चाइना को ये उम्मीद नहीं थी कि इंडिया इस तरीके से खड़ा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का इंडिया जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उससे पहले हम लोग घबरा जाते थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी और उनकी जो मेमोरी है वो आके 1962 पे अटक जाती थी। तो अभी माहौल बदली है, मामला बदली है, तो आपको पता है कि वर्ल्ड ओपिनियन इंडिया के साथ में है और इंडिया इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है, मिलिटरीली भी स्ट्रांग है, तो ये सारी चीजें देखते हुए पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, तो इन चीजों का फर्क तो पड़ता ही है लुकमान साहब। और सर जो आपको बैकिंग कर रहे हैं उनकी तो अपनी डेमोक्रेसी जो है वो बड़ी कमजोर हो गई है और कैपिटल हिल पे कब्जा हो गया था, वो कुछ डरे उनके उनके सर पे ना रहना। मैं आपको बताऊं जो कुछ करना है खुद ही करना। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये एक इंडिया की बड़ी ब्यूटी है कि हम किसी के सिर पे नहीं रहते हैं। और जिस तरीके की हमारी तासीर है, जिस तरीके का हम लोगों का वजूद है, अगला हमारे पास चल के आता है मिनते करने के लिए कि प्लीज हमारी बैकिंग ले लो। आप देखिए अमेरिका ने कितनी मेहनत करी और अभी भी वो मेहनत कर रहा है, अभी भी फुल्ली वो हमारे हमारे साथ उसकी झप्पी नहीं हुई है। और हम झप्पी जरूर डालते हैं लेकिन थोड़ा सा दूर रखते हैं, यू नो, मास्क, दो गज की दूरी हम जरूर बना के रखते हैं। और रशिया भी बिल्कुल, जो भी कोई कंट्री है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा हमारे साथ झप्पी नहीं लगा सकता। हम बिल्कुल रियलिटी में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो एक्चुअली में कोई किसी की मदद नहीं करता है, आपको अपनी कहानी खुद ही गढ़नी पड़ती है और ये हमको बखूबी मालूम है लुकमान साहब। आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले साल 15-16 जून की रात लद्दाख के गलवान घाटी में, जिसमें चीनी सैनिकों द्वारा धोखे से भारतीय सैनिकों पर वार्ता के दौरान हमला कर दिया गया था, जिसमें कर्नल सहित 19 जवान भारत के शहीद हो गए थे और चीनी साइड के भी कुल 43 लोग मारे गए थे। तब से भारत और चीन के सीमा पर तनाव लगातार बना हुआ है। आपको यह भी बताते चलें कि भारत के लिए 15-16 जून की वह घटना एक बड़े सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि
दोनों देशों के बीच इस प्रकार के संबंध बन गए थे, भरोसा हो गया था कि भारत और चीन के बीच फैली कुल 3484 किलोमीटर की सीमा पर, जिसे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, कोई भी हथियारबंद सैनिक तैनात नहीं किया जाता था। इस 15-16 जून की रात के घटना के बाद चीन का अपर हैंड हो गया था, क्योंकि जो एरिया केवल दोनों तरफ के सैनिकों के पेट्रोलिंग के लिए छोड़ा गया था, जो LAC के दोनों तरफ था, उसके कुछ भाग पर चीन ने अस्थायी सुरक्षा चौकी बना लिया था। परंतु 21 अगस्त को भारत के SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने एक सटीक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए चीन के 3 महत्वपूर्ण चोटियां, जिसमें ब्लैक टॉप भी शामिल था, कब्जा कर लिया। तब से भारत का अपर हैंड हो गया है। आपको यह बताते चलें कि यह तीनों चोटियां ऐसी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इन चोटियों से चीन के भीतर जो भी कोई सामरिक गतिविधि होगी वहां से नजर रखा जा सकता है। आपको यह बताते चलें कि SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान तिब्बती मूल के ही हैं, जो इस इलाके के मौसम और इस इलाके के भौगोलिक क्षेत्र से पूरी तरह परिचित है। दलाई लामा जब चीन के डर से भागकर भारत में आकर शरण लिए थे, उसी समय उनके साथ कुछ उनके समर्थक भी भारत आए थे। ये SFF के जवान उन समर्थकों के परिवार से हैं। SFF की स्थापना 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद की गई थी और यह सीधे भारतीय खुफिया एजेंसी रो के अधीन काम करता है। SFF द्वारा महत्वपूर्ण सामरिक ठिकाने पर कब्जा कर लेने के कारण अब भारत अपने शर्तों पर चीन के साथ सुलह करने की स्थिति में है। आर्मी कमांडर लेवल की कई स्तर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक बेनतीजा रही हैं। हालांकि SCO के बैठक के दौरान रशिया में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने आपस में यह तय किया था कि यथास्थिति सीमा पर बनाई रखी जाएगी, कोई भी देश कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि मामला और खराब हो जाए। आपको यह बताते चलें कि चीन का भारत के साथ ही नहीं 17 और देशों के साथ भी सीमा विवाद चल रहा है, जिसमें मंगोलिया, कंबोडिया, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम आदि शामिल है। पर कोई भी देश डर से चीन के सामने नहीं बोलता था। अब की बार उसका पाला भारत से पड़ा है, जो आज आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से तथा सामरिक दृष्टि से, तीनों दृष्टि से चीन से आंख में आंख मिलाकर बात करने में सक्षम है। इसके अलावा पूरे विश्व का जनमत भी भारत के साथ खड़ा दिखाई देता है। आज भारत और चीन की सीमा पर सैनिक अभ्यास जारी है। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से आंख में आंख मिलाकर खड़े हैं। कोई भी एक छोटी घटना एक बड़े घटने का रूप ले सकती है, और चीन को यह पता है कि अगर उसने कोई गलती की, हिमाकत की, तो यह गलती उसके लिए गले की हड्डी बन सकती है, क्योंकि अमेरिका सहित विश्व के अन्य देश चीन से बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।